चौबेपुर थाना क्षेत्र के जालहुपुर ग्राम रमना की रहने वाली गरीब महिला की फुल्की चाट की दुकान है। कुछ मन बड़े कल शाम को महिला की दुकान पर आकर फुल्की चाट खाएं और जब महिला ने पैसे मांगे तो मनबड़ों ने उसे पीट दिया। मनबड़े यही तक नहीं रुके, जब महिला के साथ साथ कई लोगों पर हाथ साफ किया। जी, क्या नाम है आपका? क्या हुआ आपके साथ? हमारे फुल्की की दुकान थी, हमारा आदमी करे। तेज बोलिए। उसका पकड़ को पैसा मांगे, खा के चला गए। बबलू को लेकर बाड़े। किसी की दुकान थी आपकी? दुकान दुकान कौन सी थी? क्या लगा? फुल्की फुल्की चार की। जब पैसा मांगा लगना तो चमार सियार कहीं पैसा ना देना। ओकरे बाद जब मारा लगना उन्हा तो भाग गई ना घरे में सब। तो उन्हा घरे में जब मारा लगना हम आ नहीं ली, हमारे लोग मारा लगना हमारे संगे देख जब कर बजे उतारू हो गई ना। हमारी साड़ी खींच ली खाली, हमने साया के लोग छोड़ दी। कितना पैसा मांग रहे थे? कितना पैसा मांग रहे थे? 10 रुपये रोज एक दिन जो लोग बदतमीजी कर रहे थे वो लोग आप जानते हैं क्या नाम है उनका? नाम बताइए। प्रदीप चन्ना मुकेश पुलिस से सहायता ली गई थी? पुलिस की हम गई शायद चौकी पर सुनवाई ना भाई। उसके बाद हम चला गए थाने, हमारी सुनवाई नहीं भाई। हम लोग रात भर बंद करने के लिए हम लोग को जोते रात बीत गई। क्या बोला गया थाने? आदमी की उठा करके जेल में बंद कर दिया। ये मामला कौन थाने अंतर्गत का मामला है? ये आज इस जो दबंगई किए हैं वो उसी इलाके के कई अन्य जगह के रहने वाले हैं? क्या नाम है उन लोग का? छोटू, मुकेश, गोरख, आशीष, प्रदीप, चन्नर, खन्नू, दास, गोरख। उन लोग कोई पार्टी से संबंध रखते हैं कि बस सामान आदमी? कुछ नहीं, खाली खाने के लिए सामान। भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़े हैं? सभी भाजपा जुड़े हैं जी। वो लोग क्या बनाते? प्रशासन कोई मदद नहीं की आपका? प्रशासन सहायता मिला कि नहीं आपको? अधिवक्ता वाराणसी, प्रदेश महासचिव स्वदेशी हिंदू पार्टी। क्या मामला है सर? मामला यह था कि ये बेचारे गरीब आदमी रमना जालूपुर के रहने वाले, जो थाना चौहेपुर के मामला है, ये चाट फुल्की का ठेला लगाते हैं, अपना रोजी रोजगार करते हैं। शाम को अपना ठेला लगाए थे, अब वो सब इन्हीं गांव के रहने वाले थे। ये लोग आए, अपना चाट फुल्की जो भी खाना था खाए। खाने के बाद सारा सामान खाने के बाद जब पैसे की मांग किया गया, लोगों को जाति सूचक शब्दों चमार सियार गाली गलौज दिए और काफ़ी बुरी तरह इन लोगों को मारे पीटे। अभी बेचारा जान बचाने के लिए घर में घुस गया, तो घर में घुस कर ये काफ़ी बुरी तरह इन लोगों को मारे पीटे। काफ़ी महिलाओं को सरकार देख ले, महिलाओं को भी काफ़ी चोटें आई हैं, सर में भी चोटें हैं। इन लोगों को बेइज्जत करने की नीयत से साड़ी पकड़ खींच दिए, बाल पकड़ कर जमीन पर पटक दिए। ये लोग थाने पर गए, कोई कार्रवाई नहीं। रात भर इन लोगों को बैठाया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में इन लोगों के पति को ही उठा करके बंद कर दिया गया। 3 लोगों को बंद कर दिया बेचारे, कल छूटे, शाम को छूटे, यहाँ जमानत कराए, तब जाके छूटे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई।